Dear students, in this video I will tell you how to solve the questions which is based on quadratic equation, means problems based on quadratic equation. This is the one, there is no rule, only you have to read the question properly 2 times 3 times, and then according to question you have to frame the equation. Quadratic equation means simply you have to use the one variable and then you will take the square, you get the square, but you can take 2 variables also and then change into the one variable, means quadratic one. कैसे करते हैं कि अगर हमारे पास में कोई भी क्वेश्चन दिया गया होगा तो सबसे पहले जो चीज निकालनी है उसे लेट करना है एज एक्स या वाई या जो भी तुम लेट कर सकते हो, स्पेशली ज्यादातर एक्स लेट किया जाता है. जैसे इसमें फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स तुम्हें निकालना है, ये फाइंड करना है. अब 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स निकालना है तो दोनों कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स को तुम्हें लेट करना पड़ेगा. लेकिन लेट कैसे करेंगे? कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार कंटिन्यू पॉजिटिव इंटीजर, जैसे 2 और 4 हो गया, 14, 16 हो गया, 102, 104 हो गया, ये पॉजिटिव कंसेक्यूटिव है, लगातार है, पॉजिटिव भी है और इवन भी है. लेकिन हम इसको लेट ऐसे कांस्टेंट तो कर नहीं सकते, किसी वेरिएबल में करना है. तो इसके लिए अगर एक को हमने एक्स लेट किया तो दूसरा क्या हो सकता है? क्या एक्स प्लस वन होगा? नहीं. एक्स प्लस वन का मतलब अगर एक्स 14 आया तो एक्स प्लस वन 15 आ जाएगा, इसका मतलब वो इवन नहीं हुआ, एक ऑड हुआ एक इवन हुआ. उसको तब यूज किया जाता है कि जब यहां लिखा हो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स या कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर कंसेक्यूटिव होल नंबर, तब यूज किया जाता है एक्स और एक्स प्लस वन. लेकिन यहां पे इवन दे रखा है तो तुम्हें एक और आगे बढ़ाना है. एक अगर एक्स लेट करते हैं तो दूसरा एक्स प्लस टू होना चाहिए इवन के लिए. लेकिन फिर क्वेश्चन उठता है कि क्या सिर्फ इवन के लिए ही एक्स और एक्स प्लस टू होना चाहिए? नहीं. अगर ऑड भी लिखा होता कि ऑड इंटीजर्स है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है, तो हम जो है साथ में यही लेते, एक्स लेते और एक्स प्लस टू लेते. जैसे अगर एक्स हमारा 13 है तो दूसरा हमारा 15 हो जाता है 2 ऐड करके. अगर एक नंबर हमारा ऑड है एक्स पहला नंबर, तो दूसरे में 2 अगर ऐड करेंगे तो भी तो ऑड ही होगा. अगर कोई एक नंबर फर्स्ट नंबर हमारा इवन है तो 2 ऐड करेंगे तो वो इवन हो जाएगा. यानी दोनों के केस में हमें एक्स और एक्स प्लस टू ही लेना है. तो लेट एक्स एक्स प्लस टू बी द 2 पॉजिटिव इवन इंटीजर. सबसे पहले ये जो हम लेट करते हैं उसको क्लियरली डिफाइन करना है कि क्या चीज हमने लेट की है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि वो बहुत जरूरी है. अब हमें पता हो गया कि एक्स और एक्स प्लस टू ही वो दो नंबर हैं जो इवन इंटीजर्स हैं. अब साथ में आते हैं कि फाइंड तो कर लिया, फाइंड जिनका, अब यहां से फिर से क्वेश्चन अलग हुआ, हूज प्रोडक्ट इज 224, किनका प्रोडक्ट? जो दो हमने नंबर लेट किए हैं उन दो नंबरों का प्रोडक्ट इन्होंने दे रखा है 224. देन यू विल राइट हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो इसमें दो पार्ट होते हैं. एक तो पार्ट होता है कि हम लेट करें, पहले जो भी पूछ रहा है उसे हम लेट करें प्रॉपरली. अगर वो लेट गलत हुआ, सपोज जो कर रहे हैं वो गलत हुआ, तो समझ लो कि क्वेश्चन का आगे आना मुश्किल है या गलत भी हो जाएगा अगर लेट प्रॉपरली नहीं किया सही से. दूसरा पार्ट आता है कि हम फिर क्वेश्चन को आगे पढ़ के उसकी कंडीशन को देखें कि वो क्या क्या कंडीशन उसमें दे रखती है. इसमें दे रखा है एक ही कंडीशन, हूज प्रोडक्ट इज 224. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें. तो एक्स इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 224. अब तुम्हारे सामने जब ये इक्वेशन तैयार हो गई, एक ही वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन है, इसका मतलब ये सॉल्व हो जाएंगे. सॉल्व करने के लिए तुम x इज इक्वल टू 224 और x प्लस टू इज इक्वल टू 224 नहीं करना, इसलिए कि ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है. वो तभी होता है जब यहां पे जीरो हो राइट हैंड साइड, जिसको हम 9th में बताए थे जीरो प्रोडक्ट रूल. तो इसको सबसे पहले तुमको क्या करना है, मल्टीप्लाई इसमें करना है. तो एक्स स्क्वायर
प्लस 2x और इस 224 को यहां ले आना है इज इक्वल टू जीरो। सॉल्यूशन दिखाना है लेकिन हम जैसे कि इज इक्वल टू 224 फिर तीसरा स्टेप लिखते ये भी कर सकते हैं डायरेक्टली। नाउ यू हैव टू फैक्टराइज बाई एनी वे बाई एनी अदर एनी मीन्स जैसे कि हम श्रीधराचार फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं या हम डायरेक्ट फैक्टराइजेशन सिंपल जो तुम लोगों ने सीखा हुआ है। तो 224 के दो फैक्टर ऐसे निकालें कि जिनका कि डिफरेंस 2 आता हो। तो इसके लिए फैक्टराइजेशन के लिए हमने एक वीडियो बनाया है ओनली फॉर द फैक्टराइजेशन ऑफ द ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब जिसमें तीन टर्म हो। कैसे किया जाता है बिल्कुल प्रॉपरली उसको देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे। तो 224 को अगर हम यहाँ पे करें 224 का फैक्टर करें तो क्या क्या आएगा 1 1 2 फिर 2 5 2 6 हमें डिफरेंस 2 चाहिए 2 28 2 14। अब देखो शायद आ जाए क्योंकि 2 2 4 2 8 2 16 16 -14 2। तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अगर आता है हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 14x माइनस 224 देन यूज द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन x प्लस 16 इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पे x प्लस 16 कॉमन हुआ और x माइनस 14 इज इक्वल टू जीरो। तो x प्लस 16 इज इक्वल टू जीरो या x माइनस 14 अभी हमने जो कहा था बाई प्रोडक्ट जीरो प्रोडक्ट रूल वो यहां है। प्रोडक्ट रूल का मतलब कि जब जीरो आ जाता है और यहां फैक्टर्स होते हैं तभी हम उनको अलग अलग कर पाते हैं। फैक्टर मतलब कि इनके बीच में कोई प्लस या माइनस साइन नहीं होना चाहिए दो फैक्टर के बीच में। अब यहां पे x इज इक्वल टू माइनस 16 है या x इज इक्वल टू 14 है तो कौन सा नंबर सही होगा? ये पहले ही क्वेश्चन में बोल रखा है कि पॉजिटिव, तो यानी ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे इस नेगेटिव नंबर को और सिर्फ लेंगे ये इग्नोर करेंगे और सो एक्स इज इक्वल टू 14 इज फर्स्ट नंबर। अब हमें आंसर प्रॉपरली लिखना है, उन्होंने एक नंबर नहीं पूछा है, उन्होंने दोनों नंबर पूछे, टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर। तो तुम्हें लिखना है एक्स एंड एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 14 प्लस 2 दैट इज 16। सो द आंसर इज टू पॉजिटिव नंबर्स आर 14 एंड 16। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन होता है किसी भी क्वेश्चन का। तो जरूरी है कि तुम्हें स्टेप को जानना क्योंकि इसमें कोई रूल या मेथड नहीं है, वो कोई फार्मूला नहीं है, बस केवल मेथड रूल है और क्वेश्चन को समझना। लैंग्वेज उसके लिए अच्छी से आनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही कंपलसरी है इसके लिए क्योंकि एक एक वर्ड की मीनिंग होती है और उस मीनिंग अगर एक वर्ड की भी मीनिंग थोड़ा सा भी स्किप करे या हम दूसरी लगा गए तो क्वेश्चन का आंसर आना मुश्किल है, या हम लेट नहीं कर पाएंगे या हम कंडीशन नहीं लगा पाएंगे इस तरह से। जैसे सम मोर एग्जांपल्स, वन क्वेश्चन इज गिवन हियर, डिवाइड 27 इनटू टू पार्ट्स, डिवाइड 27 इनटू टू पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, सच दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/20। ये इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन, लेकिन अब इसमें कई सारी चीजें हैं। एक ही नंबर इसको तुम्हें दो पार्ट में डिवाइड करना है, 27 को दो पार्ट में, लेकिन क्या हम 13 और 14, 26 और 1, 15 और 12, तो क्या इसे बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें यह नहीं पता कि वो दो पार्ट कौन से हैं। तो सबसे पहले एक पार्ट को तुम्हें लेट करना है, दैट इज एक्स। तो एक पार्ट को अगर हम लेट करें, लेट एक्स बी द फर्स्ट पार्ट, तो अब हमने जब इसी को ब्रेक करना है, इसी को ब्रेक करना है डिवाइड 27 मतलब दो पार्ट में, तो अगर एक एक्स हो गया तो दूसरा क्या पार्ट हो सकता है? वाई, या दूसरा हम कहेंगे 27 अपॉन एक्स या एक्स अपॉन 27? नो, ये नहीं होता। डिवाइड का मतलब हम डिवाइड नहीं करना है, हमें 27 को ब्रेक करना है दो पार्ट में।
तो एक अगर एक्स हुआ तो दूसरा होगा तुम्हारा 27 में से एक्स सब्ट्रैक्ट कर दो तो 27 माइनस एक्स दूसरा पार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डिवाइड 27 आया, हमारा एक पार्ट 12 आया, तो दूसरा पार्ट क्या आएगा 27 माइनस 12 यानी 15। तो इस तरह से ये, तो अब सेकेंड पार्ट एंड सेकेंड पार्ट भी 27 माइनस एक्स। अगर हम इस तरह नहीं समझ पाते हैं तो दूसरे तरीके से है कि अगर एक एक्स लेट किया दूसरा वाई लेट किया तो इसका मतलब दोनों का सम तो 27 के बराबर है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 27, एक इक्वेशन बन गई। अब उसके बाद उन्होंने कहा सच दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, किनका सम, जो दो पार्ट है उनका सम, यही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है, उनका सम हमें 3/20 आना है। तो दो पार्ट हमने लिया, एक तो हमने लिया एक्स और दूसरा वाई, अगर हम वाई लेते हैं तो सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल का मतलब जब भी रेसिप्रोकल का है तो उसका 1/ कर दो जो भी पार्ट लिया गया है। तो एक्स लिया गया है तो 1/x, वाई लिया गया है तो 1/y, दोनों का सम करेंगे तो 1/x प्लस 1/y इज मतलब इक्वल टू 3/20। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अब वाई की जगह पे फिर रखेंगे क्या, क्योंकि हमारे पास में एक्स प्लस वाई इक्वल टू 27 है, तो वाई इक्वल टू 27 माइनस एक्स, तो वही चीज एट लास्ट आएगी। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं 1/x और 1/27 माइनस एक्स सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू 3/20। अब इसको तुम्हें, ये इक्वेशन बन गई, इसको तुम्हें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए अब डायरेक्टली ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं बिना एलसीएम लिए, तो एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ले सकते हैं। क्या एलसीएम आएगा, एलसीएम आएगा एक्स और ब्रैकेट में 27 माइनस एक्स, क्योंकि भाई दोनों अलग अलग टर्म है तो इधर 27 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, उधर एक्स से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 3/20। अब ये एक्स और ये एक कैंसिल हो गया तो यू विल गेट द 27/x 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/20। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं तो 20 × 27 दैट इज 540 इज इक्वल टू 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3x × 27 माइनस एक्स। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लें, क्वाड्रेटिक बन जाएगा एंड देन यू कैन सॉल्व इजिली बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन या श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो 540 इज इक्वल टू 81x माइनस 3x स्क्वायर, पहले सब टर्म को एक तरफ ले आओ तो 3x स्क्वायर माइनस 81x प्लस 540 इज इक्वल टू 0। अब अभी भी तुम्हारा, हम यहाँ पे भी कर सकते थे 3 × 9 = 27, लेकिन तुमको रिड्यूस करना है, हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है क्वेश्चन को, जितना डिवाइड हो सके या कम हो सके वो जरूरी है। तो ये 3 से इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी डिवाइड कर दो, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है कि नाउ डिवाइड बाई द 3, तो जरूरी नहीं है, ये तुम डिवाइड कर सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो 27x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। अब 180 के दो फैक्टर करें जिसका कि सम तुम्हारा 27 आवे, तो 180 के दो फैक्टर 15 और 12, क्योंकि 15 × 12 इज इक्वल टू 180 भी होता है और उनका सम 27 भी होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 15 हम डायरेक्टली लिखे दे रहे हैं, ये सॉल्यूशन पार्ट, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, लेकिन बस लिखना है और तुम्हें इसको समझाना है। तो एक्स माइनस 15 प्लस माइनस 12 कॉमन, एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 15 यू कैन टेक कॉमन, एक्स माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0 आर एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू 15 आर एक्स इज इक्वल टू 12। अब यही नहीं पूछा उसने, तो क्या दो पार्ट में डिवाइड करिए, तो अगर देखा जाए तो एक 15 एक 12 तुम्हारा पार्ट आ गया, मतलब दोनों का सम भी 27 है, लेकिन ऐसे नहीं लिखना है। दैट सेकेंड फर्स्ट पार्ट इज 15 अगर है तो सेकेंड पार्ट क्या हुआ 27 माइनस 15 दैट इज 12 है, एंड अगर फर्स्ट पार्ट 12 है तो सेकेंड पार्ट क्या होगा 15 होगा,
तो ये दो पार्ट इस तरीके से आंसर आएगा। तो ये इजी होता है, लेकिन बस केवल एक बार समझें और अच्छे से उस क्वेश्चन को पढ़ें। सबसे पहले क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना, अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी। जैसे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं सर, इसमें जो डिजिट प्रॉब्लम होती है कि डिजिट को हम कैसे, डिजिट प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन है, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स हुज प्रोडक्ट इज 18। एक नंबर है जिसका, ए नंबर कंसिस्ट टू डिजिट्स हुज प्रोडक्ट इज 18, इनका प्रोडक्ट 18 के बराबर है, हुज प्रोडक्ट इज 18। इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, अगर 27 नंबर, 27 एडेड टू द नंबर, देन द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, इसका मतलब क्या हुआ, फाइंड द नंबर। तुम्हें नंबर निकालना है और यह क्वेश्चन है कि एक नंबर है जिसमें दो डिजिट्स हैं और उन दोनों डिजिट का प्रोडक्ट 18 के बराबर है। सबसे पहले लेट क्या करेंगे, लेट हम नंबर क्या लेट करेंगे, नंबर लेट नहीं कर सकते क्योंकि नंबर तो टू डिजिट नंबर है, एक्स वाई, दिस इज रॉन्ग, एक्स इंटू वाई तो लेट ही नहीं कर सकते, वो तो उसके बाद का काम है। हम डिजिट्स को लेट करेंगे, उन उस नंबर की टू डिजिट्स को लेट करेंगे। तो लेट, अब लेट करेंगे दो डिजिट को, तो ऑब्वियसली अगर दो डिजिट का नंबर है तो एक तुम्हारा होगा यूनिट प्लेस पे और एक टेंस प्लेस पे, तो लेट एक्स बी एट यूनिट प्लेस एंड अब एक दूसरा नंबर वाई बी एट टेंस प्लेस। अभी हमने कहा कि हम ले सकते हैं वाई और एक्स दोनों ले सकते हैं, बाद में चेंज कर देंगे एक वेरिएबल में, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ ऐसे भी ले सकते हैं कि हम डायरेक्टली एक ही वेरिएबल ले सकते हैं। जैसे हम लोग को पता है कि दो डिजिट है नंबर में, उनका प्रोडक्ट 18 है, अगर एक हमने एक्स लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा, 18 बाई एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 18 के बराबर आएगा, तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, तुम ये भी ले सकते हो। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा डिजिट प्रॉब्लम में, जब हम यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पे सपोज कर लेंगे, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, नंबर बनाना है। तो नंबर बनाएंगे जिसे हम ओरिजिनल नंबर कहते हैं, सो नंबर विल बी एक्स प्लस 10 वाई, क्यों, क्योंकि एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करना प्लस वाई को 10 से, क्योंकि ये टेंस प्लेस में, और फिर उसके बाद में ये नंबर बन के तैयार हो गया, ये ओरिजिनल नंबर है। अब इन्होंने कहा है कि इनका प्रोडक्ट, डिजिट का प्रोडक्ट यानी एक्स और वाई का प्रोडक्ट क्या है, किसके बराबर है, 18 के बराबर है। अभी हमने तुमसे कहा कि एक दूसरा नंबर क्या होगा, 18 बाई एक्स, देखो इससे निकल रहा है वाई इज इक्वल टू एक्स, नीचे आ जाएगा 18 बाई एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स। इसके बाद इन्होंने कहा है कि यदि 27 एड, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारे पास में कि 27 यदि नंबर में एड किया जाए, यदि 27 ऐड किया जाए किसमें, नंबर मतलब x प्लस 10 वाई में, ना कि x और y में, अलग अलग, ये डिजिट्स है, नंबर अलग चीज होती है, डिजिट्स अलग चीज होती है। तो नंबर में ये 27 ऐड किया जाए तो उन्होंने कहा है कि जो डिजिट्स है वो अपनी प्लेसेस बदल लेती हैं। जैसे यानी अगर 23 कोई नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, अब इसमें अगर हम 27 मतलब एक टाइप से एग्जांपल बता रहे हैं तो ये 32 हो जाएगा अगर इसमें कुछ नंबर ऐड करें जिससे कि ये डिजिट बदल ले, यानी कि अगर हम 9 इसमें ऐड करें तो 23 प्लस 9 ये 32 हो जाएगा। तो डिजिट्स आपस में इंटरचेंज हो रही, लेकिन डिजिट्स इंटरचेंज हो रही हैं तो यानी कि उनका नंबर भी चेंज हो गया, मतलब जो नंबर हमारा x प्लस 10 वाई था अब वो नंबर दूसरा हो गया, भाई जैसे 23 था अब 32 हो गया। तो उसी तरह ये, तो अब ये टेंस प्लेस की बजाय, मतलब ये हमारा यूनिट प्लेस पे आ गया और x हमारा टेंस प्लेस पे आ गया, तो y प्लस 10 एक्स हमारा नंबर आ गया, यानी इस नंबर में जो पहला नंबर था उसमें 27 ऐड करते हैं तो हमारे पास ये नंबर आ जाता है।
ये सेकेंड इक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 27x वो x प्लस 10y प्लस 27 सारी डिजिट को एक तरफ लेते हो, माइनस वाई माइनस 10x इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें x और y में आ जाएगा इक्वेशन, एक इक्वेशन हमारी पहले से ही बनी है, तो 10y माइनस वाई 9y माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 27। अब इसमें 9 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 सेकेंड इक्वेशन। अब किसी एक इक्वेशन से उठा करके दूसरी इक्वेशन में वैल्यू रख दें, तो अगर हम इसे y इज इक्वल टू यहाँ से माइनस 3 प्लस एक्स यहाँ रखते हैं, पुटिंग y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 इन इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा x माइनस 3 किसी भी तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अब इसमें ये मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक बन गई, माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, 18 के टू पार्ट्स लें जिसका डिफरेंस तुम्हारा 3 हो और मल्टीप्लीकेशन 18, तो 6 इंटू 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज कॉमन एक्स माइनस 6 प्लस 3 इज कॉमन एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ एक्स माइनस 6 एंड एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू 6 आर एक्स इज इक्वल टू माइनस 3, जो कि अब हम ये नहीं लेंगे क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, अब पॉजिटिव नंबर, लेकिन वैल्यू अभी हमें आंसर नहीं निकला क्योंकि पूछ रहा है फाइंड द नंबर, फाइंड द डिजिट्स नहीं पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है। सो नंबर इज, अभी वाई की वैल्यू नहीं मालूम है तो वाई की वैल्यू निकालो तभी नंबर निकलेगा, तो फॉर वाई वी पुट एक्स इन इक्वेशन 1, तो एक्स इज इक्वल टू 6 और वाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 18 था, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 3 जा 18 यानी वाई की वैल्यू 3। अब नंबर क्या हो जाएगा, नंबर पता है तुम्हें क्या नंबर है, एक्स प्लस 10 वाई, यही था ना नंबर, तो इसमें एक्स की वैल्यू 6 रखेंगे, 10 इंटू 3 यानी कि 30 प्लस 6 यानी दिस इज द नंबर। अब तुम इसको चेक कर सकते हो कि 36 यदि नंबर आया इसमें 27 जोड़ेंगे तो क्या ये डिजिट इंटरचेंज होगी, यस, क्योंकि 36 में 27 ऐड करेंगे तो 63 ही आएगा, आपस में डिजिट इंटरचेंज हो जाएगी। तो दिस इज द मेथड टू राइट। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो फॉर द अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन विच द एज प्रॉब्लम एंड डिस्टेंस टाइम स्पीड स्पीड एंड टाइम आई विल टेक लेटर मीन्स टुमारो यू विल सी। सो In this exercise, where the problem based on the quadratic equation, you can solve the some questions with the help of this video and the examples. Thank you.